हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी जामा मस्जिद। जानिए क्या कहते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, करीब 20 लोग घायल हो गए, इनमें कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। नाराज भीड़ ने पुलिस पर पथराव और आगजनी की, जिसके बाद हालात काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस और लाठी चार्ज करना पड़ा। फिलहाल मामले में 2 महिलाओं समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूल बंद करने और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने का भी आदेश दिया है। पुलिस ने बताया कि हिंसा के आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। संभल हिंसा में एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है और डिप्टी कलेक्टर के पैर में भी फ्रैक्चर हुआ है, जबकि सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिलों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा की जांच शुरू हो चुकी है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। आपको बता दें, संभल जिले के शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। पहले 19 नवंबर को रात में सर्वे हुआ और 24 नवंबर को दूसरी बार सर्वे टीम मस्जिद पहुंची थी। मस्जिद कमेटी की सहमति से दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे होना था, लेकिन मस्जिद के सर्वे के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोर्ट के आदेश पर जब सर्वे शुरू हुआ तो भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। स्थिति नियंत्रण करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद सर्वे टीम ने अपना काम पूरा कर लिया और रिपोर्ट 29 नवंबर को अदालत में पेश की जाएगी। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह मस्जिद वास्तव में प्राचीन हिंदू मंदिर है या उसको ध्वस्त कर बनाई गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की 1875 की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह रिपोर्ट ACL कार्लेल द्वारा तैयार की गई थी। टूर्स इन द सेंट्रल डोम एंड गोरखपुर 1874 से लेकर 1875 और 1875 से लेकर 1876 के शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट में संभल की जामा मस्जिद का विस्तार से सर्वेक्षण दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभों को पुराने हिंदू मंदिरों का बताया गया है, जिन्हें प्लास्टर लगाकर छिपाने का प्रयास किया गया। मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर हटने पर लाल रंग के प्राचीन खंभे दिखाई दिए, जो हिंदू मंदिर में इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और संरचना के थे। ASI के सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि मस्जिद में ऐसे कई संकेत और अवशेष मौजूद हैं जो इसकी प्राचीनता और हिंदू मंदिर के होने का बताते हैं। हालांकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है और सर्वेक्षण में हालिया निष्कर्ष 29 नवंबर को अदालत में पेश किए जाएंगे। इस रिपोर्ट से आगे की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इस दावे को ASI और ऐतिहासिक साक्ष्यों से जोड़ने की कोशिश की गई। ASI की 1875 की रिपोर्ट में इस मस्जिद में मौजूदा एक शिलालेख का उल्लेख सबसे बड़ा प्रमाण बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद में एक शिलालेख है जिसमें लिखा है, इसका निर्माण 933 हिजरी मीर हिंदू बेग ने पूरा किया था। मीर हिंदू बेग बाबर का दरबारी था, जिसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित किया। ASI के मुताबिक यह शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि मस्जिद का निर्माण किसी हिंदू धार्मिक स्थल को बदलकर किया गया है। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है, इसे भगवान विष्णु के हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। दावे का आधार बाबरनामा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की रिपोर्ट से माना जा रहा है। ASI की 1875 की रिपोर्ट में भी ऐसा साक्ष्य दर्ज है जो हिंदू मंदिर के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। मस्जिद के हिंदू खंभे मुस्लिम खंभों से कुछ अलग दिखाई देते हैं और वो खंभे हिंदू वास्तुकला का प्रतीक दिखाई देते हैं। गुम्बद का जीर्णोद्धार, ASI के अनुसार मस्जिद के गुम्बद का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हुआ था। पुरातत्व अवशेष, मस्जिद की संरचना में हिंदू मंदिर के कई चिन्ह पाए गए हैं जिन्हें बाद में प्लास्टर से ढक दिया गया। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन ने अपनी याचिका में बाबरनामा का जिक्र किया है। बाबरनामा, जिसे बाबर ने खुद लिखा था और ब्रिटिश एनेट बेवरीज के अनुवाद की प्रत 687 पर लिखा है कि बाबर के आदेशों पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित किया। यह विवरण शिलालेख से मेल खाता है। मीर हिंदू बेग का नाम और 1933 हिजारी वर्ष के मस्जिद निर्माण का उल्लेख है। फिलहाल संभल में मंदिर व मस्जिद का विवाद अब कानूनी प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ रहा है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो 29 नवंबर को अदालत में पेश की जाएगी, इस विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका निभाएगी। आपको क्या लगता है, क्या सच में मस्जिद को तोड़कर यहाँ पर मंदिर बनाया गया है?
अपनी राय जरूर दीजिए। इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।